इस फिल्म के प्रायोजक हैं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रस्तुत करता है विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय। भारत के हस्तशिल्प धातु शिल्प कला। भारत में धातु शिल्प कला अपनी पारंपरिक व आधुनिक विशिष्टताओं के साथ विभिन्न रूपों में देखने को मिलती है। इनमें पीतल, बिदरी, चांदी, मीनाकारी और कुंदन आभूषणों से जुड़े ऐसे उत्पाद शामिल हैं जो शिल्पकारों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कला के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश धातु शिल्प शुद्ध व मिश्रित रूप के पीतल, अल्मुनियम, लोहे, तांबा, चांदी व सोने द्वारा बनाए जाते हैं। कई बार इन धातुओं को शीशे और काष्ठ जैसे शिल्प उत्पादों के साथ बड़ी निपुणता से जोड़कर भी प्रस्तुत किया जाता है। धातु शिल्प कला भारत के कई क्षेत्रों में प्रचलित है और हर क्षेत्र का अपना अनूठा पारंपरिक अंदाज है जो शिल्पकारों की जीविका का एक बड़ा साधन भी बनता है। हमारे पिताजी पहले ज्वेलरी का काम करते थे, जिन्होंने ये पीतल पे नक्काशी काम शुरू किया हुआ है। तो आजकल की जो जैसे हम अकेले काम करते तो और लोग जो आजकल के लड़के वो समझते हैं कि बहुत बारीक काम है ये नक्काशी का। पीतल के हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की इन तंग और भीड़ भरी गलियों में धातु शिल्प उद्योग की विशालता बसती है। हमारी ये मुरादाबाद के इंग्रेविंग के अंदर एक अलग बोली है, उसके अंदर ये वर्क जो है तो अलग नाम किया जाता है। जैसे चिकन वर्क है, बारीक वर्क है और दाना वर्क है। इस वर्ष से जो मेरे पास आइटम रखा हुआ है ये मतलब के जाल वर्क कहलाता है। ये खूबसूरत और जटिल उत्पाद अपने निर्माण के समय कई चरणों से गुजरते हैं। सबसे पहले कच्चे माल को छोटे छोटे टुकड़ों में कूटा जाता है और इन्हें जमीन में बनी मिट्टी की गहरी भट्टियों में पिघलाया जाता है। बालू और शीरा यानी रेत और धूल को मिलाकर एक आकृतिदायक सांचा तैयार किया जाता है। तब अंतिम उत्पाद को डिजाइन करने के लिए उसका एक प्रतिरूप तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद आकृतिदायक सांचे को लकड़ी के एक बक्से में रखा जाता है और उसे कास्टिंग सैंड से भर दिया जाता है। अब पिघली हुई धातु को लकड़ी के बक्से में रखे इस सांचे में डाल दिया जाता है। करीब 15 मिनट तक पिघली धातु को ठंडा व ठोस करने के बाद कास्टिंग सैंड को सांचे से हटा दिया जाता है और धातु के उत्पाद को अच्छी तरह साफ कर दिया जाता है। शिल्प कृतियों के विभिन्न भागों को जोड़ने की प्रक्रिया यानी कैया की जुड़ाई की जाती है। इस जुड़ाव के बाद उत्पाद को पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तब किसी और धातु की सुनहरी परत चढ़ाने और पॉलिश करने के बाद इन शिल्प धातुओं का रूप और भी निखर जाता है। इन धातु शिल्प के उत्पादों को नक्काशीदार विभिन्न डिजाइनों से अलंकृत भी किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर लाख युक्त खुदाई और सिया कलमकारी द्वारा एक कलात्मक विशिष्टता भी प्रदान की जाती है। धातु शिल्प का एक और दर्शनीय स्वरूप हमें लैंप, गुलदानों, मंदिर की घंटियों, कांस्य की भव्य प्रतिमाओं और मूर्तियों में देखने को मिलता है, जिससे हम अपनी अतीत की सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराओं से परिचित होते हैं। आज पीतल की इन वस्तुओं की बढ़ती हुई मांग ने इस उद्योग को 3,500 करोड़ सालाना का व्यापार बना दिया है। आज इन्हें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी
और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रतिस्थापित बाजारों में ही नहीं बल्कि कुछ उभरते बाजारों में भी निर्यात किया जाता है। मुरादाबाद के उत्पाद दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं, पर इनमें मुख्य हैं अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस। हम अपने शोरूम से इन्हें एक्सपोर्ट करते हैं मध्य पूर्व में और साथ ही स्विट्जरलैंड को भी भेजते हैं। दुबई भी एक बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है जहां वो क्रिस्टल और पीतल उत्पादों को इंपोर्ट करते हैं। बिदरी के शिल्प उत्पाद अपनी कलात्मक शोभा के लिए प्रसिद्ध। बिदरी शिल्प का उद्भव उत्तरी कर्नाटक के बिदर क्षेत्र से हुआ है। जिंक चढ़ी काली धातु की सतह पर चांदी की नक्काशी वाले इस शिल्प के आफताबी और मेहताबी डिजाइन बहामनी और अन्य राजवंशों के काल में खूब लोकप्रिय हुए। बिदरी शिल्प उपयोगी सामान तथा घरेलू सजावट की वस्तुओं पर दिखाई देता है और सिर्फ भारतीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी बहुत मांग है। लुप्त हो रहे इस शिल्प को आज हैदराबाद, लखनऊ और मुर्शिदाबाद के शिल्पकारों ने जीवित रखा है। चांदी आधारित शिल्प मनुष्य द्वारा सबसे पहले चांदी की धातु पर ही काम किया गया था। मध्य भारत में निजामों के शासनकाल में चांदी की शिल्प कृतियों का कार्य प्रकट हुआ। इस शिल्पकला के लिए सोने अथवा चांदी का 90% से अधिक शुद्ध होना जरूरी है। सजीली और जटिल डिजाइन वाली चांदी की एक शिल्प कृति के निर्माण में 2 सप्ताह तक लग जाते हैं। इस अनमोल धातु पर टंकाई और बनवाई के खर्च के कारण चांदी की शिल्प कृति आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर मानी जाती है। चांदी के तारों को मरोड़कर बनाए गए तरकाशी आभूषण दुनिया भर के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मीनाकारी और कुंदन आभूषणों के साथ भारतीय महिलाओं का लगाव युगों से रहा है। कुंदन और मीनाकारी आभूषण जो राजस्थान के पूर्व राजवंशों से संबंधित हैं अपने शिल्प कौशल और अद्भुत डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। राजस्थान के महाराजा मानसिंह के शासनकाल में मीनाकारी आभूषणों की कला लाहौर से भारत लाई गई। कुंदन और मीनाकारी शिल्प अब स्थानीय स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मीनाकारी एक मुगल कालीन से राजा महाराजाओं के द्वारा इस कला को प्रोत्साहन मिला। मुगल पीरियड में इसको काफ़ी प्रोत्साहन मिला क्योंकि राजा महाराजा हर चीज़ में एक आर्ट को देखना चाहते थे। कि जिस तरह से पहले पेपर पे, आर्ट पे, दीवारों पे पेंटिंग का कार्य हुआ करता था लेकिन ज्वेलरी पे ऐसा नहीं होता था, तो मुगल काल में इस कला को प्रोत्साहन मिला। और जैसे कि इसके पृष्ठभाग में जड़ाऊ काम होता है, मीनाकारी भी होता है, लेकिन पीछे बैक में भी इसके बारीक फूल पत्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी और इनकी शिकारें, ये इस तरह से कार्य को उसको सजन किया जाता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगती है ज्वेलरी। मीनाकारी में सोने व चांदी के आभूषणों तथा अन्य वस्तुओं पर रंगों का प्रयोग किया जाता है, जबकि कुंदन में मीनाकारी के साथ अमूल्य व अल्प मूल्य रत्नों का उपयोग किया जाता है। मीनाकारी की शुरुआत एक डिजाइन को गढ़ने से होती है और फिर धातु के इस आभूषण को लाख की छड़ पर जमा दिया जाता है, तब स्टील की एक श्लाखा यानी सुई से धातु की सतह पर डिजाइन उभारे जाते हैं। इसके बाद विभिन्न रंगों वाले मीना के चूरे यानी पाउडर को पानी में डुबोने के बाद धातु के उभारे गए हिस्से पर एक स्टील छड़ से जमा दिया जाता है। इसके बाद मीना को भट्टी या तापक यानी हीटर में सुखाया जाता है। उसके बाद इसे धोया जाता है। अतिरिक्त मीना को घिसकर दूर कर दिया जाता है और अंतिम रूप से निखारा जाता है। आभूषणों के अलावा मीनाकारी अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे फर्नीचर के भागों, चौकियों, सजीले पटरों, श्रृंगार बक्सों, मेवे के बक्सों, तश्तरियों और अन्य कई वस्तुओं पर भी देखने को मिलती है। भारतीय धातु शिल्प कला के सौंदर्य
और शिल्प कौशल ने दुनिया भर के ग्राहकों का मन जीत लिया है। मैं कहना चाहूंगा कि धातु शिल्प में भारत बहुत आगे है। मेरे ख्याल से आपको धातु शिल्प में नई नई चीजें बनाते रहना चाहिए। मेरा मानना है कि आप धातु शिल्प के बाजार में सबसे आगे हैं। इस शिल्प में भारत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। It's really beautiful actually. It's my first time here and I really like it. They are very beautiful. Everybody can see it here. Nobody has that wide variety that we have over here in India. The Indian handicrafts are beautiful. The colors, the texture and the people. It's wonderful. हस्तशिल्प का सम्मान, हस्तशिल्पकारों का कल्याण।